हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड, सेफ एंड साउंड। तो अभी बजे सुबह के 9:50 और अभी हम लोग करेंगे अपना ब्रेकफास्ट, बिकॉज आज है मंडे। तो सुबह से कुछ नहीं खाया, पहले शिव पूजा किया एंड देन अभी खाऊंगी। वैसे शिव पूजा कर लिया, सुबह उठी थी 8 बजे, उठ के मैं सबसे पहले गई नहाने एंड देन पूजा किया। और मम्मी का भी सेम ही है, मम्मी 8:30 को उठी क्योंकि मम्मी का तबीयत कुछ सही नहीं है इसलिए। और अभी हम लोग करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। तो आज ब्रेकफास्ट में क्या है वो आपको मैं फिलहाल दिखा देती हूँ। बहुत दिनों के बाद मैंने बनाया अपने लिए बॉर्नविटा। इतना दिनों से नहीं खाया, बस चाय पी रही थी। आज सोचा कि नहीं, आज मैं बॉर्नविटा ही पीऊँगी। और इधर है मम्मा का चाय, ये ज़्यादा फ्लैश आ रहा है इसलिए शायद से आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा। बाकी इधर है दलिया जो मम्मी ने बनाया, अभी ये खाएंगे हम ड्राई फ्रूट्स के साथ। ना ड्राई फ्रूट्स के साथ खा के एक बार आप देखना, बहुत टेस्टी लगता है। लाइक ऊपर काजू किशमिश देखिए, और अगर अलमंड बादाम हो आपके घर पे तो वो भी डाल के खा सकते हो, बहुत यमी लगता है गाइस। और बाकी पहले तो मैं बिल्कुल भी दलिया नहीं खाती थी, बिल्कुल भी नहीं। पहले भी जब घर पे हमारे घर पे बनता था ना, मैं नहीं खाती थी, दी खाती थी, बट मैं नहीं, मैं और पापा बिल्कुल भी नहीं खाते थे। बट एक दिन क्या हुआ, मम्मी ने पापा को बना के दिया, पापा को बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले पापा ने बोला कि ये क्या है, तो मैंने बोला दलिया है। पापा बोले इश मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तो नहीं खाता ये। बट खाने के बाद ना उनको इतना अच्छा लगा कि नेक्स्ट डे मम्मी को बोलने लगे कि आप मुझे ऐसे ही वो दलिया बना के देना, मुझे अच्छा लगता है। तो धीरे धीरे करके मैं भी खाना सीख गई। लाइक मम्मी बोलती थी कि थोड़ा सा खा ले अच्छा लगेगा, और मैं नहीं खाती थी। बट एक दिन क्या हुआ, मम्मी ने अपने बाउल से मुझे 2 चम्मच खिला दिया, तब से मुझे भी अच्छा लगने लगा है, लाइक सीरियसली। और ड्राई फ्रूट्स वाला तो ये मम्मी का टेक्निक है, आप भी घर पर ट्राई करना। और आज धूप काफ़ी अच्छा आया है गाइस, थैंक्स टू गॉड। रात के टाइम ना इतना ज़्यादा ठंड लगती है और दिन में गर्मी, मतलब क्या ही वेदर है गाइस, मैं क्या ही बताऊँ आपको। और यहाँ मेरा प्रोजेक्ट का सब कुछ रेडी करके रखा है, मुझे एक प्रोजेक्ट करना है, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम है तो इसके लिए असाइनमेंट चाहिए। देखो गाइस, मम्मी उठ के ये सब बनाई क्योंकि पापा को भी देना था, और अभी टाइम ही हो गया, 10 बज गया, टाइमली हमको ब्रेकफास्ट वगैरह करना है। तो इधर दलिया वगैरह ले रही है और मेरा बॉर्नविटा तो इधर ठंडा हो जा रहा है गाइस, मैं क्या ही बताऊँ। और यहाँ देखो हमारा ड्राई फ्रूट्स, ये फ्लैश के वजह से ना ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाई देगा। यहाँ है काजू, रुको ज़रा मैं आपको बाहर जाके दिखाती हूँ, है काजू किशमिश, अभी ऊपर से थोड़ा सा किशमिश दे दिए। आप लोग एलमंड भी यूज़ कर सकते हो, इसे बेची दियो ना। तो ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट, इधर है डलिया विद ड्राई फ्रूट्स, बिस्किट एंड बॉर्नविटा जो मैंने थोड़ा सा पी लिया। सो गाइस, मेरा जो प्रोजेक्ट था ना फाइनली वो कंप्लीट हो गया। ज्यादा कुछ नहीं था, मैंने पहले से करके रखा था, ये बस थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो किया मैंने। और ये देखो रेडी, माय प्रोजेक्ट इज रेडी। अभी 3 तारीख को मेरा एग्जाम है, पता नहीं क्या होगा, प्रैक्टिकल है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है मुझे। कोई नहीं, अभी मैं आपको दिखाती हूँ मम्मी क्या करी किचन में, कॉज आज मतलब मेन्यू भी क्या है वो सब तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलो अभी चलते हैं किचन में। तो आज बनेगा फिश, तो इधर मछली को मम्मी ने हल्दी नमक से मैरिनेट करके रखा, और इधर है सब वेजिटेबल्स, इधर है बैंगन, आलू, ग्रीन चिली और धनिया पत्ती, इधर है मसाला जो ऑनियन पेस्ट के ऊपर रखा है, सब कुछ रेडी करके। और इधर है 5 फोरन, कढ़ाई भी गर्म हो चुका है गाइस, अभी दिखाती हूँ मैं आपको। यहाँ मम्मी करिए फिश फ्राई, और मुझे ना ये वाला मछली थोड़ा थोड़ा पसंद है, ज़्यादा नहीं, बट ठीक है, कभी कभार चल जाता है, आलू बैंगन के साथ खाने में वैसे अच्छा लगता है, बुरा नहीं लगता। और ये वाला फिश तो कल लिया था ना पापा ने, आपने देखा ये कल नहीं परसों लिया था। और यहाँ देखो देखने में तो यम्मी लग रहा है, अब खा के ही बताऊँगी कि कैसा यम्मी बना है। तो देखो यहाँ फिश करी ऑलमोस्ट रेडी, और देखो अभी ना मम्मी क्या करिए, इधर वो जो गैस ओवन है वो साफ़ करिए, क्योंकि ना साफ़ करना भी ज़रूरी है गाइस, सब कुछ साफ़ सुथरा रखना। मैं और मम्मा सेम क्वालिटी के हैं, मैं भी ऐसे ही साफ़ सुथरा रखना पसंद करती हूँ। अभी इधर थोड़ा सा क्यूकम्बर है, इधर से मैंने नहीं खाया वैसे, ये मम्मी का प्लेट है, क्यूकम्बर खाने से मुझे एसिड हो जाता है गाइस। तो ये सब छोड़ो, दोपहर के टाइम ना मुझे कुछ खाने का मन हुआ तो घर पे बावली भरा हुआ था वो खा रही थी, मुझे ये बहुत
ज़्यादा पसंद है गाइस, पता नहीं क्यों। 2 दिन से घर पे पड़ा तो खा लिया आज ना, तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है गाइस, आई डोंट नो व्हाई। और मम्मी का खाना वाना पकाना कंप्लीट, और मैंने अभी एक बाउली खाया, मुझे बहुत ज़्यादा खाने का मन हुआ था। ये 2 दिन से घर पे पड़ा हुआ था तो वो खाया, एक चिप्स खाया, मतलब बस क्रेविंग्स हो रही है मुझे। और आज मेरे खाने का स्टॉक ख़त्म हो चुका है, मुझे दुकान से जाके चिप्स वगैरह लाना होगा। मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा आज तबीयत बहुत, आज ना तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, पता नहीं क्यों। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं धूप में क्यों रखती हूँ, ये गर्म होने के लिए, पूरा गर्म हो गया, मतलब निंजा टेक्निक है, गैस भी बचेगा और बाकी आपका आपको वो आराम भी मिलेगा। और वैसे भी मेरे गले में दर्द है तो मुझे गर्म पानी पीना होता है, इसलिए मैंने बाहर धूप में रख दिया, तो गैस भी बच गया ना मेरा। गुड इवनिंग गाइस, अभी बज रही है शाम की 4:50 और अभी मैं थोड़ा सा पी रही हूँ चाय। अभी जस्ट नींद से उठी, तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है, मैंने पूरा दिन आपको बोला कि तबीयत आज कुछ सही नहीं है, और दोपहर के टाइम इतना ज़्यादा बुखार आया ना मुझे, मैं क्या ही बताऊँ आपको। इसलिए ना मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं किया और मैं सो गई थी, वीडियो देखा भी नहीं। और मम्मी के साथ बैठ बैठ कर थोड़ा सा चाय पी रही हूँ, मम्मी बाहर चल चल के पी रही है चाय। वैसे गर्म गर्म चाय पीने से थोड़ा सा राहत मिल जाए, पता नहीं गाइस क्या जो हुआ है ना, मतलब तबीयत इतना ज्यादा खराब है कि तो क्या बताऊं मैं। पूरा लगातार 3-4 दिनों से मम्मी का भी सही नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी मैं जल्दी से ये चाय पी लेती हूँ। और वैसे भी आज तो मैंने ज़्यादा कुछ आप लोगों को बताया, मतलब आप लोगों के साथ मैंने कुछ शेयर भी नहीं किया, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। आप लोगों के साथ बात करके मैं गई थी थोड़ा दुकान, दुकान से क्या क्या लाई रुको ज़रा मैं शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इधर बना रही हूँ मैगी, क्योंकि ना मुझे मम्मा को भूख लगी थी और एकदम मुंह पूरा टेस्टलेस हो गया, तो सोचा कि थोड़ा सा मैगी खा लेती हूँ। और देखो दुकान से लाई मैं कितना कुछ, इधर है पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न मैंने 3 पैकेट लाया, साथ में इधर है ग्रीन कलर का लेस, ब्लू कलर का लेस, खट्टा मिट्टा 2 पैकेट, और यहाँ है ऑरेंज लेस, साथ में है मम्मा का चिक्की, मम्मा का पसंद है। सो या दैट वॉज इट फॉर द डे, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, टाटा।